उसी का मालूम है कितना मिलता है जैसे एनसी वाला है क्या कहना चाहेंगे कि कितने सैटरडे फिल्म को लेकर और कितना ज्यादा चैलेंजिंग हुआ इस फिल्म को बनाना और 8 तारीख को रिलीज हो रही है तो कितना बड़ा चैलेंज हुआ आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज तो था जब फिल्म शुरू करी हम लोगों ने, बट जो आज हम लोग पहुंचे ट्रेलर लॉन्च पे तो एक्साइटेड हूँ मैं। फिल्म हमारी 8 तारीख को आ रही है, ट्रेलर लॉन्च फाइनली हो रहा है इसका, मैं एक्साइटेड बहुत हूँ। और थैंक्स अभिनव सर का कि इन्होंने जो उनकी मेहनत है, मतलब जो हम सबकी टीम की मेहनत है, वो आज मतलब ऐसा रंग लेके आई आज तो ट्रेलर लॉन्च हम लोग पहुँच गए, फाइनली हमारी फिल्म ही रिलीज होगी। आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं असिस्ट करने का, लेकिन आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि बहुत क्लासी रही है, क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो काफी डिफरेंट रहा है, किस तरह से आपका संघर्ष रहा, जो कामयाबी मिली उसके बारे में बताइए अभी तक का? हाँ, सबसे पहले बोलना चाहूंगा मैंने अब तक किसी को असिस्ट नहीं किया है और मैंने अब तक 25 शॉर्ट फिल्म्स में मैं शॉर्ट फिल्म के जरिए ही सीखता गया, और ये थैंक्स टू पिस्विंग प्रोडक्शन जहाँ पे उनको कहानी सब्जेक्ट पसंद आई और फिर ये फिल्म रिलीज़ हुई और आज हम ये मुकान पे जो ट्रेलर लॉन्च भी हो रही है। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर नरेंद्र पटेल एंड जयेश पटेल एंड इंटायर कास्ट एंड क्रू, जिन्होंने सारे लोग ने मेहनत की और हम यहाँ तक आए इसको लेके फिल्म को। फिल्म का सब्जेक्ट जो है क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, क्या ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर लड़की शादी करती है तो जो एक ब्लॉकेज होता है शादी को लेकर कि एक लिमिटेशन में रहना पड़ता है, उस लिमिटेशन को क्रॉस कर सकती हैं, एक फ्री लाइफ जी सकती हैं, ये सब्जेक्ट है या फिर कुछ और सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट तो नहीं खोलूंगा, इट्स अ प्रोटोकॉल, बट द सब्जेक्ट इज दैट शादी सर चीज़ें अच्छी है, शादी आप करो तो अच्छी चीज़ है, पर उसको निभाना किस तरह से आप निभाते हो इस फिल्म में मैंने वो दिखाया है। जो इंटायर मतलब शादी मैंने एक होती ना सर इंडिया में, शादी करते तो लाइक दहेज चाहिए या अच्छी लड़कियां चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए, पर यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट पे काफ़ी फिल्म आ गई है। मैंने ये सब्जेक्ट दिखाया था जो शादी होती है और किस तरह से भी शादी, इस तरह की भी शादी, लोग 90s की शादी शायद भूल गए, तो मैंने 90s की शादी वापस लाना चाहिए। जो शादी जो होती है दो बंधन का मिलन होता है और किस तरह से उसको आप पूरा करना और सोसाइटीज में किस तरह से इन्वॉल्व भी होती है और नहीं भी इन्वॉल्व होती है, तो बेसिकली एक सोसाइटी को बताना चाहता हूँ एक शादी ऐसी भी हो सकती है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। फिल्म की जो लीड है प्रतीका, उसका उनका टीवी बैकग्राउंड काफी है, काफी शो में काम किया, तो ये बताइए कि कितना बेनिफिशियल रहा, क्योंकि जहां पे पहचाना चाह रहा है पहले से ही है जी, इसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? प्रतीका चौहान बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और काफी सारे सेल भी कर चुकी है, सारे एक्टर ने अच्छे काम किए, और क्या होता है सर फिल्म में दो जगह बनती है, एक तो डायरेक्टर टेबल में बनती है और एक पोस्ट के टेबल में, एडिटर टेबल में बनती है। ये फिल्म हमारे क्रू मेंबर ने बनाया है, टेक्निकल टेबल पे ज्यादा बनी है फिल्म, जहाँ पे प्रोड्यूसर मैं सारे टेक्निकल टीम इन्वॉल्व रहे थे, एक्टर अपना काम करके चले गए, बाकी हम पोस्ट में सारे चीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हम होते हैं एडिटर ये सारे मिलके ने बोला नहीं ये फिल्म को इस तरह से किया जाए, तो बेसिकली बताऊंगा ये टीम वर्क है, पूरी टीम ने बनाई इस फिल्म को सर। जयेश पटेल जी ने जो बैकअप किया इस फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं, कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? सर जयेश सर लाइक अभी क्या बताऊं सर, एक उन्होंने एक वो प्रोडक्शन स्पॉटवे का भी काम नहीं है जो नहीं किया, सारे वर्क किए थे, अब तक वो पीछे खड़े हैं, और थैंक्स टू जयेश पटेल एंड नरेंद्र पटेल जिनकी वजह से फिल्म इस मुकाम पे लेके आया मैं, और लाइक आई ऑलवेज जब भी मैं याद करूंगा तो मेरी पहली फिल्म कब आई, तो आई ऑलवेज लाइक नरेंद्र पटेल सर जयेश पटेल को हमेशा मैं थैंकफुल बोलूंगा एवरी एंड ईच टाइम सर, सो लाइक दैट। और बिहार का भी बैकड्रॉप बहुत दिखाया गया है इस फिल्म में, क्या बिहार का कनेक्शन है, उसका कनेक्शन क्या है बताइए? सर बिहार का ही बैकड्रॉप नहीं दिखाया मैंने, मेट्रो सिटी से बैकड्रॉप दिखाया मैंने, जो शादी किस तरह के मतलब कितने सिटीज में शादी किस किस तरह से होती है, बेसिकली मैंने नॉर्थ को टारगेट बनाया, इट्स नॉट स्पेशली फॉर बिहार, टारगेट मेरे नॉर्थ थे, जो वहाँ पे शादी ऐसी भी होती है जो टाउन में ऐसी शादी नहीं होती, यहाँ पे शादी एक दिन में खत्म हो जाती है, आप जाओगे नॉर्थ में शादियों का माहौल एक महीने से चालू होता है, गुजरात में जाओगे एक महीने से शादियों का माहौल, वही माहौल मैंने इस फिल्म के जरिए दिखाया जो लोग अब भूल चुके हैं, शादी भी एक कमर्शियल चीज़ हो गई है, तो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लेके आया। शादी के बारे में थोड़ा सा रोशनी डाली है ना सर, किस प्रकार की शादी है सर? ये शादी सर बहुत ही यूनिक है सर। हाँ सर,
ये दिशाते क्या साथ सीधा फेरा है या उल्टा फेरा? ये उल्टा फेरा सर। अच्छा, या गुलाटी मारना है सात फेरे लेने के जगह गुलाटी मार देते, ये ऐसा शादी है? ये ऐसा है कि मतलब जो डायलॉग है कि शादी का लड्डू खाए और पछताए ना खाए वही पछताए, तो स्पेशली मैंने वही लड्डू दिखाया है। शादी जो गोल है वो बेसन का लड्डू है कि रवा का? सर रवा का लड्डू। ओके ओके सर, शादी के बारे में सर, सर ये शादी देख एक बुक पढ़ी थी मैंने नमक स्वादानुसार, वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था इस शादी के बारे में। तो एक शादी जो होती है सर, अब मैं इतना चीज़ तो नहीं बता सकता, टेलर में आप टेलर देखो तो पता ही चल जाएगी। तो यहाँ पे शादी मैंने दिखा है, एक शादी जो होती है घर के अनुसार भी होती है, घर के मतलब एक बोलते हैं ना बियॉन्ड द घर, जहाँ मतलब परमिशन मत लो आप शादी कर लो। तो मैंने ये चीज़ दोनों दिखाया, जो आप परमिशन करते हो तो किस तरह से शादी होता, परमिशन नहीं लेते तो किस तरह से शादी होती है। शादियों की बात करें तो ये कई प्रदेश के अलग अलग स्टेट के अलग रेगुलेशन होते हैं जी, तौर तरीके होते हैं शादी का, ये किस स्टेट को आधारित है? और नॉर्थ और गुजरात, नॉर्थ और गुजरात। चलिए हो गया। प्रोड्यूसर है फिशिंग प्रोडक्शन हाउस, इनका है ये प्रोड्यूसर है जयेश पटेल जी, और थैंक यू सो मच सर से यहाँ तक स्टोरी के लिए, तुम्हारी मेहनत है। जयेश जी क्या कुछ कहना चाहोगे, आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है वैसे चाहता हूँ तो नहीं सर है टाइप का भी तो मैंने समझ लो कुछ भी मेहनत नहीं किया, सबसे ज्यादा मेहनत अभिनव ने किया है मैक्सिमम। नहीं नहीं सर, विदाउट एक बैकअप होता है, इन्होंने बैकअप प्लान किया था ताकि मैंने मेहनत किया है। ओके सर, इसे कैसे जहन में आया कि हाँ इस पर भी फिल्म बनानी चाहिए, शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए, कैसे? अभिनव शॉर्ट फिल्म में, शॉर्ट फिल्म नहीं है सर, मतलब इनका कहना है शॉर्ट फिल्म से कैसे जेहन में आई जो बड़ी फिल्म बन गई सर, इनका ये कहना है सर। ऐसे ऐसा ना कि छोटा बनाते बनाते बड़ा हो गया। अच्छा, हमने पहले एक साथ में शॉर्ट फिल्म की थी, पहले शॉर्ट फिल्म किया है, छोटा बन जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, वो पूरा फोकस अलग रहता है यार। क्या क्या रिएक्शन था जब आपको पहले ये स्टोरी कहानी बताई गई, कैसे आपको प्रभावित किया या आपको लगा कि हाँ इस पर फिल्म बनानी चाहिए? इनको तो मैंने पहले फिल्म दिखा दी थी, इन्हें दिखा दिया था, फिल्म ही दिखा दी थी सर, तो इन्होंने खुद बोला नहीं इस फिल्म को इस लेवल पे लेके जाना है, तो फिर डबल मेहनत हो गया, जहाँ पे एक लोग थे वहाँ पे दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से भी सौ हो गए, आप लोग सब आए। पटेल जी कुछ बताएं इस कहानी के बारे में, आपके जर्नी। एक शॉर्ट में बताता हूँ, जो मेन जो अपना जो मैसेज है वो यही कि शादी जैसे शादी के अंदर कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो अपना मेन मैसेज है। जल्दबाजी में क्या रिजल्ट आएगा, अब टेढ़ी लड्डू ना खाइए, इत्मीनान से खाएं। हाँ, इत्मीनान से खाइए और सोच समझ के खाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रिक्वेस्ट मीडिया टू प्लीज सेटल डाउन। स्टिल ले लो ये वीडियो, अदर किधर है? थैंक यू। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब कोई फिल्म बनती है तो उसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, कितना ज्यादा समय लगता है, कितना ज्यादा मैन पावर लगता है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट की है पहले हमारे डायरेक्टर सर ने, और ये उनकी डेब्यू डायरेक्टर फिल्म है जो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सेटल डाउन। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्ले द ट्रेलर, हम सबसे पहले ट्रेलर देखते हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मर्द और औरत के बीच के रिश्ते को क्या कहते हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, पहले में एक दूसरे को जान ले पहचान ले। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हमारे यहाँ मर्द और औरत को एक साथ रहने के लिए शादी क्यों करनी होती है? भाभी आ गई, गाना बजना चाहिए, तो हम भी बहुत अच्छा बजाते हैं। ये सारे सवाल हर उस लड़की के हैं जो अग्नि के साथ फेरे लेकर सातों जन्म पति के साथ रहने की कसम खाती है। तुम चाहो तो अपना घूंघट उठा सकती हो। सकती आओ सोते हैं। कौन ली टैक्सी थी? टैक्सी। ए गाना बजाओ। शादी की है तुमने मुझसे, तो खरीदा नहीं है। सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आप सब यहाँ पर आए।
आज का प्रसारण बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप सबका बहुत आनंद आया होगा। लगा 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 इसलिए बनाने में हर एक डिपार्टमेंट को मैंने सीखा है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स लाइक मिस्टर नरेंद्र पटेल एंड जयेश पटेल एंड स्पेशली द टेक्निकल टीम, प्रदीप सूरी सर, कृष्णा गुप्ता, सुदेश मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे बताया पिक्चर का प्रोसेस क्या होता है। और सबसे पहले एक्सपीरियंस जो था मैम, ये फिल्म मैं शादी में काफ़ी सारे फिल्म देख चला कि दम लगा के है ऐसा सारी चीज़ें, पर मुझे बनाना था जो सुहागरात पे लोग क्यों नहीं फिल्म बनाते, वहाँ से शादी को क्यों नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जा रहा है यार एक अजनबी के साथ बात मत करो, घुमाओ मत, ये सर सेंटर सेंटर में आ जाइए सर। अब सही है सर? हाँ सही है। हाँ तो फिर मैंने यही सोचा यार अब जब शादी करवाते हो तभी नहीं सोचते एक अजनबी से शादी हो जाती है और किस तरह फर्स्ट नाइट में क्या कन्वर्सेशन होगा। वहीं पे मैंने देखा उस पे भी लड़की जब पढ़ी लिखी निकलती है और लड़के को कुछ अक्ल नहीं है, सिर्फ पैसे हैं उसके पास, तो वही कनेक्टिविटी जो हमारे नॉर्थ वाले अगर आए हैं स्पेशली पेरेंट्स, तो ये नहीं है जो हमेशा वही राइट्स होते हैं शादी कराने में। सो बेसिकली ये कंप्लीटली अरेंज मैरिज पर बेस्ड। एग्जैक्टली मैम, अरेंज मैरिज बाद में फिर ये लव मैरिज भी हो जाता है, काफी सारे ट्विस्ट मिलेंगे ऑडियंस को और आई एम लाइक 100% श्योर ये कुछ नया कंटेंट है लाइक अबाउट मूवी एंड शादी के बारे में। सर नरेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रोड्यूसर से दोनों से कि क्यों आपने इस सब्जेक्ट को चुना टू प्रोड्यूस और क्यों बैकअप किया? सब्जेक्ट में जो मेन अपना जो टॉपिक था कि शादी जैसे मामले में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो समथिंग डिफरेंट मुझे लगा। सर माइक में बोलिए ना सर, हाँ आवाज नहीं आ रही है ना। जब सब्जेक्ट मुझे बताया अभिनव ने ऐसा सब्जेक्ट है तो मेन उनका मैसेज था शादी से माहौल उनको कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तो मुझे कुछ डिफरेंट लगा। ओके नरेंद्र जी आवाज नहीं आ रहे, पूरा जोश निकल गया क्या, पैसा निकल गया? लॉन्च हो रहा है, आएगा पैसा आएगा, इतना आवाज दम लगा के बोलिए। जब अभिनव जी बताया फिल्म के बारे में तो मैंने लाइक मैसेज ही देखा शादी जैसे माहौल में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये टॉपिक सबसे अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट। ओके थैंक यू मैम, प्लीज योर एक्सपीरियंस। शगनों की राह जब मेरे पास आई, मतलब ये गाना लेकर के मुझे अभिनव ने जब कांटेक्ट किया तो मुझे बहुत, पहले मैंने सोचा कि ये क्या गाना है, फिर मैं स्टूडियो आई, जब मैंने सुना तो एक बहुत सूदिंग सा सॉन्ग है जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। फिल्म का कॉन्सेप्ट इसने बताया, फिर मैं सबसे मिली तो फिर मैंने ये किया, करने का डिसाइड किया और हमने ये किया। सो योर एक्सपीरियंस एंड समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। हेलो, सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स माय प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एंटायर कास्ट, सिंगर, म्यूजिशियंस एंड आलोक जी, प्रदीप, आरव, नौशाद भाई। तो इस फिल्म को बनाने में हम सब ने बहुत मेहनत की है, मतलब जब से स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखी, फिर शूट पे हम लोग गए, फिर रिलीजिंग के लिए, डबिंग के लिए, बहुत हम लोगों ने मेहनत करी है। तो उसके लिए मैं जो हमारी एंटायर कास्ट है और जो क्रू है, मैं उन सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जो मेरे कैरेक्टर की बात है, ये कैरेक्टर जब अभिनव सर हम लोग मिले एक साल पहले, तो उन्होंने बताया कि एक स्क्रिप्ट है मेरे पास जिसमें आई थिंक नाम उसका नमक स्वाद अनुसार, हाँ, तो उन्होंने बताया कि इस कैरेक्टर के बारे में एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर सर ने पूरा मुझे एक नरेशन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है सर, एक बार आप मुझे चांस दे के देखिए कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है। सर ने ठीक है तुम ट्राई करते रहो, मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर फाइनली एक डेढ़ महीने बाद सर ने फिर फाइनली कर ही दिया कि चलो अब तुम ही करो ये कैरेक्टर। और जिस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है वो ये है कि इगोस्टिक आदमी है ये, इसका पैसा बहुत है, अकल नहीं है, बट ईगो बहुत है इसके अंदर। तो बाकी जब आप लोग फिल्म देखेंगे 8 मार्च को, तो आपको लगेगा कि जो ट्विस्ट है इसकी लाइफ के अंदर, क्या आए हैं, क्या इसने खोया है, क्या पाया है, क्या सीखा है इसने, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिल्म करके बहुत मज़ा आया मुझे, थैंक यू। थैंक यू, या प्लीज। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ नरेंद्र सर को, जयेश सर को और अभिनव सर को और पूरी कास्ट को, सर प्रताप एंड आरम मावी एंड आलोक सर, प्रसाद भाई, है ना। और जब स्टोरी मेरे पास आई थी तो जो कैरेक्टर है काफ़ी फनी है इसमें, नाम है पूना जो कैरेक्टर का नाम है, और बहुत फनी कैरेक्टर है इसमें। जब स्टोरी मुझे सुनाई थी तो काफ़ी अच्छा लगा था, स्टोरी सुन के लग रहा था कि हो जाऊँगा फिट, तो सर ने कास्ट किया और बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, सब लोगों ने सपोर्ट किया, है ना। और आरव मावी मेरे बड़े भाई बने हैं, सौरभ प्रताप भी मेरे बड़े भाई बने,
तो काफी सपोर्ट था सब लोगों का, कास्ट का, अच्छा लगा काम करके सबके साथ। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं ठाकुर जी का शुक्रिया कहना चाहूँगा, उन्होंने मौका दिया मुझे इस फिल्म में काम करने का। और शुरुआत में तो मैं सौरभ प्रताप जी को जानता था, उनके साथ पहले भी काफ़ी काम किया हुआ है। तो जब वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े तो सौरभ ने मुझे बताया, तो मेरे डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक छोटा सा एक ऑडिशन टाइप हुआ, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर हम लोग शूट के लिए गुजरात गए थे, जो कि वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही शानदार रहा। एकदम पिकनिक का माहौल था, कभी लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं, और सब बहुत अच्छा रहा। अब देखिए, अब 8 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है, आखिरकार इस मुकाम तक पहुंच गए, तो आप बताएंगे फिल्म देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से। थैंक यू सर, थैंक यू मैं जयेश पटेल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक सरप्राइज स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पिसिंग प्रोडक्शन अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट वेरी सून दिस मंथ ओनली, ओके, एंड द मूवी विल बी रिलीज नवंबर 2019 विद स्ट्रीट डांसर, ओके। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू द फर्स्ट लुक ऑफ दैट पोस्टर्स दैट फिल्म, ओके। So please have a check time. Please. Yeah. Curfew. Poetry of love. आपने चुना है इस कॉन्सेप्ट, इंस्पिरेशन क्या था, ये कॉन्सेप्ट को बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, क्या शोकेस करना चाह रहे हैं? अच्छा, आप सुहाग्रात मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ओके सर, कॉन्सेप्ट इंस्पिरेशन ये था, जब मैंने बुक पढ़ी थी, बुक मुझे अच्छी लगी थी। और बताना चाहूँगा इस पर, एक बार साउथ में भी फिल्म बन चुकी है, फिल्म का नाम था उफ प्रोफेसर, जो 80% ही बुक से इंस्पायर था। फिर जाके मैं बुक के ऑथर निखिल सचान सर से मिला, उनसे सारे ऑथोरिटी लिए, फिर मैंने इसके इस स्टोरी को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। बाद में इंस्पिरेशन ये था सर, शादी के मतलब एक रूल मुझे बतानी थी, और सर जो आप सोसाइटी को एक शादी का इतिहास दिखाते हो, उनके नज़र से भी शादी नहीं होती है, एक अलग नज़र से भी शादी हो सकती है, वही नज़र मैंने अलग दिखाया। वो मैं 8 मार्च को देखने के बाद पता मेरे दिखाने का क्या तरीका था शादी सर। प्रतीका का जो आपने चुनाव किया है, जी, वैसे जी। काफी जस्टिस किया रोल पे, लेकिन क्या वजह थी कि उनका चुनाव किया इस फिल्म के लिए लीड में? प्रतीका सर वो फिट बैठी देविका के रोल में, जो मुझे चाहिए था, एक लड़की जो नॉर्थ का भी कैरेक्टर करे, गुजराती का भी कैरेक्टर करे, और एक पंजाबी लड़की का भी कैरेक्टर है, तो वो सारे कैरेक्टर फिट थे, और शी इज वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस सर। और सर आपसे जानना चाहूंगा, आपकी डेब्यू फिल्म है, एक्टिंग आपने काफी अच्छी की, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज्यादा क्रेडिट जाता है अभिनव सर को इस बात के लिए? थैंक्स कि आप, अभिनव सर का जो क्रेडिट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कम से कम फिल्म शुरू होने से पहले हम लोग शायद 20 दिन साथ में बैठे थे स्क्रिप्ट के ऊपर, कि कैरेक्टर के ऊपर हम लोगों ने काम करा बहुत। फिर जब शूट पर गए, वहाँ भी हमारा हम लोग 3 दिन पहले पहुँच गए थे शूट से, शेड्यूल से 3 दिन पहले हम लोग पहुँच गए थे, और हम लोगों ने फिर रिहर्स किया सारी चीज़, सीन टू सीन हम लोग गए, तो इनके साथ रह के मतलब इन्होंने जितना बताया समझाया, कुछ अपना इनपुट डालकर, तो कैरेक्टर ऐसे हम लोगों ने बिल्ड करा, और बहुत काम करके मज़ा आया। और जो एक्ट्रेस हैं प्रतीका चौहान, अनफॉर्चुनेटली वो अभी यहाँ पर नहीं है, किसी काम में बिजी हैं वो, तो उनका काम भी बहुत बढ़िया है इस फिल्म के अंदर, अब देखेंगे आपको पता लग गया। अभिनय साहब, आज ही अनाउंस किया आपने जो अपना ये जो फिल्म है, ये क्या सब्जेक्ट है, और कितने एक्साइटेड हैं सर? जैसे नरेंद्र सर को, जैसे सब लोग बोलते हैं, मैं लव स्टोरी आज तक कभी नहीं बनाया, मैं ऑलवेज लाइक सोसाइटी सिस्टम इससे, तो सर चाहते थे मैं उनके लिए एक लव स्टोरी बनाऊँ, और इसके राइटर यश को और सर, और मैं लक्की मानता हूँ उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने अभी बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ लिखी थी, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया था मुझे, जहाँ पे मैं और नरेंद्र सर जयेश सर तीनों मिले थे उनसे, और ये टेंटेटिव नेम है कर्फ्यू, हम चेंज करेंगे इनका नाम, ठीक है। तो मुझे अच्छी लगी, जो एक लव स्टोरी ऐसी भी होनी चाहिए, और ये पूरी जो बेस्ट मूवी है सर, एक सोल्जर लव स्टोरी पे है, तो बेसिकली मुझे करना था, और सर चाहते थे मैं ही करूँ, तो पर हमने बोला चलो करते हैं सर, तो बेसिकली। और आखिर में पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपके बारे में मालूम है कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है असिस्ट करने का, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो डिजिटल मीडियम इतना स्ट्रांग हो गया है, हाँ, कि शॉर्ट फिल्म्स बना के आप शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को, तो वो बताइए जो निर्देशक बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकें? सर अभी तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे बोलना, लेकिन सर मुझे पता था
जो मैं एक दिन इस लेवल पे आ जाऊँगा. और असिस्ट करने का रीज़न भी था सर, क्योंकि आपको कोई असिस्ट करने दे तो करोगे ना सर. ट्राई ऐसा नहीं, ट्राई किया पर करना ही नहीं चाहते थे वो लोग, देना ही नहीं चाहते थे. और काफ़ी लोग चाहते थे सर जो, तो फिर सर जो घर बैठने से अच्छा मैं खुद का कुछ करो. आई वांट थैंक्स टू अभिलेख जो मेरे डे वन से हर एक फिल्म में मेरे साथ रहा. और मैंने, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था साथ में एक फिल्म डेब्यू करेंगे, तो आई वांट थैंक्स टू अभिलेख. और सर मैं यही बोलूँगा, एक बिलीव होती है, मुझे बिलीव था मैं आऊँगा और यहाँ तक आऊँगा और फिर यही था करना था सर बस, और कुछ नहीं था. और इंस्पिरेशन यही रहता सर, ये जो बोलते हैं ना फिल्म बैकग्राउंड अब गया माहौल सर, अभी कोई भी कुछ भी कर सकता है. अभी नहीं रहा जमाना जब करण मतलब खान कपूर ही चलेंगे, हर कोई चल सकता है. इट्स अ कंटेंट सिनेमा भी चलता है सर, तो आई बिलीव दैट. थैंक यू सर. हो रहा है कुछ, कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है. काफ़ी लोग बहुत बहुत धीमी गति से बात कर रहे हैं, स्लो स्लो बात कर रहे हैं. तो क्या आपने चेक वगैरह नहीं दिया है क्या सब सर? आई विल टेल यू दैट थिंग सर, मैं ये जब मैं आंसर दूं इसका सर. चेक वगैरह मिल गया है सर सबका? माइक माइक दो ना प्लीज सर, सर सर को माइक दो. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि सबको टाइम से मिल गया है. किसी किसी का बैलेंस है इसलिए उनका आवाज स्लो आ रही है. नहीं नहीं सर, उनके फर्स्ट टाइम इसलिए सर आवाज स्लो है, उनका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सर. अच्छा सर, अब मेरा मेरा अभिनव सर से सवाल है. ये थोड़ा पोस्टर के बारे में रोशनी डाले जो सिगरेट पीते हुए, ये कैसी कौन सी देश की परंपरा है शादी के मंडप में बैठी और सिगरेट पी रही है? आपको बताना चाहूंगा सर, इंडिया में आज की डेट में वुमेन से ज्यादा सिगरेट पीती है एक्सपेक्ट द मेन सर. आप जाओगे दुकान पे तो ज्यादा लड़कियां ही सिगरेट खरीदती है सर. मंडप सर ये हमारा एक सेब्बा है जो इस, अगर आप इस तरह से शादी करोगे तो इस तरह की भी लड़की मिल सकती है आपको. तो ठीक है, आप डिपेंड ऑन माइंड मेंटेलिटी ऑफ सोसाइटी सर. मतलब बेड पे भी रहेगी तो भी सिगरेट पी, कहीं पे भी सर वो हो रहा है सर. सिगरेट तो आम बात है सर आज के डेट में. प्रताप, प्रताप से मेरा सवाल है. प्रताप एक अभी आपने कुछ रेडियो जॉकी का किरदार है क्या आपका इस फिल्म में? अभी आप एक सीन कर रहे थे बनियान में, बंडी में, वो क्या है जरा उस सीन के बारे में बताएं. नहीं सीन मैं रेडियो जॉकी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, अपने घर में पैसा बहुत है, बट इगोइस्टिक आदमी है ये. तो शादी उसकी हो जाती है घर वालों के कहने से, लड़की सुंदर है कर लेता है शादी. फिर बाद में बातचीत करता है पता लगता है कि ये तो कुछ और ही हो गया, लाइफ चेंज हो गई है. तो फिर ट्विस्ट आते हैं उसके लाइफ में, वो लड़की के पास जाता है नहीं जाता है, सीखता है उससे कुछ. फिर ये सारे जो चीज़ तोड़ मोड़ के जो उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है आफ्टर मैरिज, तो ये है इसके अंदर सारी चीज़ें. और वो काली टैक्सी वाली क्या बात है जरा उस पर रोशनी डाले काली. ये अब मैं इसका जो है हमारे डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे अच्छे तरीके से इसका मतलब क्या है सर. प्लीज बताएं काली टैक्सी क्या होती है. काली पीली, काली पीली तो सुना था, खाली काली टैक्सी क्या है? काली टैक्सी सर जो लड़की है वो दैट डायलॉग मतलब वो अपनी बीवी को बोल रहा है और हमारे सेंसर को गालियाँ पसंद नहीं है, तो मैंने इस तरह से वहाँ पे कुछ और थे. और जैसे काली टैक्सी जो है सर डिपेंड ऑन ये वो हमने दिखा है किस टाउन में है और किस से रिलेट कर रहा है. तो आप मूवी जब देखोगे वो कहाँ गई है, किस टाउन से बात कर रही है, कहाँ पे है, कौन से टैक्सी में, सारी चीज इन्फॉर्मेशन वहीं पर है सर. सेंसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, कोई तकलीफ आई, क्या परेशानी आई इस सब सिगरेट वगैरह पीते हुए दिखाया था आपने? नहीं, नहीं, सर, बहुत प्यार हो गया सेंसर से, मैंने आज ही उनको गुलाब भी भेजा सर वैलेंटाइन के टाइम. बहुत प्यार हो गया था सेंसर से. ये सीन दिखाया था आपने जो ये सिगरेट सारी चीजें सारे सीन है सर. Okay. सारे सीन दिखाए उनको मैंने. चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए. थैंक यू सो मच सर. सेंटर दीजिए जी सर, उधर देखिए सर. पीछे जाओ, फ्रेम नहीं मिल रहा. फुल फ्रेम नहीं मिल रहा, ऊपर आ जाओ फुल फ्रेम मिल जाएगा जी सर. इधर देखिए सर, अरे पीछे ये लड़का भी है फ्रेम में किसी. हाँ सब लड़के हैं सर. पीछे पीछे वाला नहीं दिख रहा है थोड़ा एडजस्ट. लोग ज्यादा हो गए फ्रेम का.